वेलकम टू गेट रिच विद आशका. आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमुख मिश्रा. वेलकम टू गेट रिच विद आशका. थैंक यू सो मच आशका. आपने शो देखा है पहले? या आई बीन फॉलोइंग इट सिंस द फर्स्ट एपिसोड. व्हेन डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग? जो पहली पॉलिसी करी थी दैट आई स्टार्टेड इन 2009 एंड देन या देयर वर फ्यू लोन्स व्हिच आई हैड टू finish, so I just finished my home loan and car loan. So right now it's no liability zone. In terms of your loans, there are no liabilities. क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप एक कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इनकम और एक्सपेंसेस डिस्कस करें. मैं सीधा आती हूँ कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं? अप टू 50,000 अ मंथ. हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या स्थिति है? हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जो कि फैमिली फ्लोटर है, माय वाइफ एंड माय किड. Which is up to 10 lakh. Okay, and life insurance? Life insurance, 3 policies हैं. Okay. एक, in fact, 4 policies हैं. Okay, थोड़ी देर रुक जाती हूँ. 5 policies तो नहीं है? नहीं नहीं, 4 policies हैं. इस सब में आपका cover क्या है? इन सब का मिला के 42 lakh. 42 lakh. कमिंग टू इमरजेंसी फंड, मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ और दर्शकों को भी एक बार रिविजन दे देती हूँ कि इमरजेंसी फंड जो होता है वो यूजुअली हम 3 महीने की सैलरी या तो 6 महीने के एक्सपेंसेस करके चलते हैं. क्योंकि हमें आपकी सैलरी के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि मेक श्योर कि आपका ट्यून इन उतना है कि जितना आपका 3 महीने का खर्चा निकल जाए. करेक्ट, दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ. ओके, परफेक्ट. इफ दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ देन आई डोंट हैव टू वरी ऑन दैट बिट. कमिंग टू योर गोल्स, क्या गोल्स हैं आपके? सो गोल्स आर बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन ओनली फर्स्ट एंड देन मैरिज देन माय रिटायरमेंट. नॉट श्योर ऑफ द सेकंड किड, सो इफ ही कम्स अलोंग और इफ शी कम्स अलोंग देन देयर एजुकेशन एज वेल. सो वी वोंट प्लान फॉर समबडी हु इज इन अराउंड येट. 50,000 आपने कहा कि उसके लिए आपको प्लान करना है, इसमें से मैं बाकी रकम तो निकाल देती हूँ क्योंकि लगभग 30,000 के ऊपर आपका सिर्फ पॉलिसीज में पैसा जा रहा है. मैं आपका ध्यान यहाँ पे लाना चाहती हूँ सुमुख, बिकॉज यू आर वेरी यंग. अच्छी कंपनी के साथ आपकी जॉब लगी हुई है, तो प्लानिंग भी थोड़ा सा वाइज होना चाहिए. तो एक जो फियर होता है, मेंटल ब्लॉक होता है कि नहीं, हमें निवेश तो करना है लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है, ये जो पहलू है ये आप एक बार लगा सकते हो एक पॉलिसी लेकर. Correct. लेकिन ये पहलू आप बार बार अगर निवेश करने के समय लगाएंगे और आप बार बार पॉलिसीज की तरफ बेंड हो जाएंगे तो आपको पोर्टफोलियो पे कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो एक यूलिप होना, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास एक पर्पज है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगर आप कोई प्लान लेने वाले हो शुभ के लिए तो आई अंडरस्टैंड, बट उसके बाद कोई भी यूलिप लेना मुझे ये लाजमी नहीं लगता है. क्योंकि एक तो आप 42 लाख से कवर्ड है. 42 लाख्स डजंट लुक लाइक इट्स इनफ, इट कांट बी. ओके, तो आपके पास 1 CR का अपना टर्म प्लान होना चाहिए. भूल जाइए आप प्रीमियम देके, हर प्रीमियम वापस नहीं आता है और हर प्रीमियम की वसूली भी नहीं होती है. Correct. तो मैं ये चाहती हूँ कि व्हेन यू हैव अ बेबी हु इज यू नो सो यंग एंड यू हैव अ सिक्योर जॉब, सो इसको आप और सिक्योर कैसे कर सकते हैं? लाइफ से सिक्योर होके, लाइफ से इंश्योर्ड होके. एक पॉलिसी अगर आप चाइल्ड के लिए चलाना चाहते हैं तो दैट यू कैन कंटिन्यू बिकॉज शुभ विल बेनिफिट फ्रॉम इट. सेफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योर्ड इन्वेस्टमेंट, बट जो बाकी का आपका फॉर एग्जांपल 16,700 जो उसको डायरेक्टली लार्ज कैप में या स्मॉल एंड मिड कैप में सीधा डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं. हाई रिस्क है बट यू आर यंग और आप 15-20 साल तक तो डेफिनेटली निवेश करेंगे. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो पॉलिसीज में जो यूलिप प्लान्स होते हैं ये भी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, लाइक मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज. जी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट फंड्स इन द पॉलिसी दैट यू कैन सेलेक्ट अ मिड कैप फंड और अ लार्ज कैप फंड. यस, सो आई सेलेक्टेड मिड कैप फंड्स बिकॉज आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम द लॉन्गर पर्सपेक्टिव, से फॉर अराउंड 10 ईयर्स और मोर देन दैट. करेक्ट. अगर आप मेरे पास आते और आपके पास 4 लार्ज कैप फंड होते तो भी मैं आपको ये बात बोलती कि आपने ओवर एक्सपोज कर दिया है अपना पोर्टफोलियो एक ही एसेट क्लास के साथ. अगर आप 4 यूलिप लेके आएंगे तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपने ओवर एक्सपोज कर दिया है. तो ये यूलिप और एसआईपी में फिर अंतर क्या है? ये हाउ आर दे डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स और देयर? ऑल फंड्स आर डिफरेंट. ऑल फंड्स आर डिफरेंट इन रिटर्न्स. व्हेन यू से लार्ज कैप यू नो दैट कि उसकी उसका जो
फंड का मेजर फंड का निवेश होता है वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है देश की. यू नो कि वहां पे रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन कंफर्म्ड है. सेफ नहीं है, रिस्क तो वहां पर भी है बट कम रिस्क है. स्मॉल एंड मिड कैप की जब आप बात करते हैं तो आप उन छोटी छोटी कंपनियों में निवेश होता है जो अभी उभर कर आएगी, इसलिए वहां पे रिस्क बहुत हाई है और रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा हाई हैं. अगर आप शॉर्ट टर्म समझ के उसमें जाएंगे तो आप कमाएंगे जरूर लेकिन आप रिस्क बहुत हाई ले रहे हैं क्योंकि वंस अगेन यू आर गोइंग विद कंपनीज एट द फंड मैनेजर फील्ड्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर. अब आते हैं हाइब्रिड फंड्स, उसमें आधा रेशियो जाता है इक्विटी को, आधा जाता है डेट को. नॉट नेसेसरीली 50-50, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर. इफ यू थिंक दैट इफ ही थिंक्स दैट इक्विटी इज गोइंग टू परफॉर्म मोर देन डेट, ही विल शिफ्ट हिज फंड्स मोर 70% टुवर्ड्स इक्विटी एंड 30% टुवर्ड्स डेट. बट एट द सेम टाइम योर रिस्क इज स्लाइटली लेसर देन स्मॉलर एंड मिड कैप्स. यूलिप में यू आर नॉट एबल टू you know make that kind of a return that you can expect from exposing your portfolio to various other asset classes. aapko ye bhi hamesha yaad rakhna hai nivesh karte waqt secured rehte waqt ki aapko future mein inflation bhi to beat karna hai na. correct, you have to consider to kind of surrender at least two policies but out of four. but jab surrender karenge to jo charges lagte hain zyada lagenge shuruaat mein 5 saal se pehle. I you will have to find out कि कितना पुराना है, कितना टाइम है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने मिनिमम 5 साल कंटिन्यू करके जब चार्जेस कम हो जाते हैं तब. बट आप ये भी याद रखें कि आप 5 ईयर्स में वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है 5 साल. करेक्ट. अगर आप एक यूलिप लेके आए होते तो मैं आपको कभी नहीं बोलती, दो भी मैं ठीक समझती, बट 4 यूलिप का और कोई और एक्सपोजर नहीं, कोई डेट का एक्सपोजर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. आप पीपीएफ ऐसा डेट के लिए प्रोविजन रखते हैं? वीपीएफ होता है, एक वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, वो डिडक्ट होता है. वो तो आपका कंपनी से डिडक्ट होता है लेकिन आप खुद से कहीं डेट में निवेश करते हैं? नहीं, तो वो जो मैंने 15,000 आपका एडिशनल बोला है वो मेरा वही प्लान है कि उसको मुझे अब और दूसरे सेक्टर्स में डालना है, जैसे लार्ज कैप हो गया, बैलेंस फंड हो गए या मल्टी कैप फंड हो गए. तो वो मेरा मतलब वो बहुत सिंपल हो जाएगा. 15,000 है, 5,000, 5,000 और 5,000, आप इसको बाइफरकेट करके एक लार्ज कैप, एक हाइब्रिड और एक स्मॉल एंड मिड कैप. क्या उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 2.5-2.5 लार्ज कैप, 2 डिफरेंट लार्ज कैप कंपनीज, एंड देन देयर इज नो पॉइंट टेकिंग 2 डिफरेंट कंपनीज. हमेशा याद रखो कि जो लास्ट में जो रेशियो निकलता है वो एवरेज निकलता है. तो अगर आप के पास 2 लार्ज कैप फंड्स है, एक बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो एवरेज गिर जाएगी. और एवरेज गिर जाएगी तो देन यू आर बैक टू द सेम थिंग. सो इन्वेस्ट इन वन फंड फ्रॉम वन सेक्टर. और इन सबके साथ साथ अब आते हैं आपके गोल पे. सबसे पहला गोल आपने कहा कि चाइल्ड एजुकेशन. आपके पास यूलिप है ऑलरेडी दैट कैन वर्क इन द फेवर ऑफ द एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड. शुभ बच्चे की शादी के लिए जो आपको एक कॉर्पस जोड़ना है, इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 5,000 rupees, and I am saying 20 years. So I'm being conservative for the average. Say 12% ke return se bhi aapko aa raha hai, to 20 saal mein you'll be able to accumulate 50 lakhs for his marriage. थर्ड आपका आता है रिटायरमेंट प्लान. जब आप रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं तब आता है आपका डेट एक्सपोजर. कि एक ऐसी रकम आप निवेश करें जहां पे कोई रिस्क नहीं है, जो एक सेट रेट ऑफ रिटर्न आपको ईयर ऑन ईयर दे रहा है, और वो आप अपने रिटायरमेंट पे यूज कर सकते हैं. क्योंकि आपका कंपनी से जो प्रोविडेंट फंड कटता है वो है. दूसरी जगह है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम. एनपीएस में निवेश करने से आपको ये सिक्योरिटी है कि एक उम्र जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपको आपके कॉर्पस से पेंशन आता रहेगा. राइट, सो दीज आर द वेज टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. और हर इन्वेस्टमेंट आपके गोल के ऊपर आधारित होती है. अगर आप इतना अमाउंट 26,000 प्लस 13,000, अगर आप 39,000 निवेश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एट कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न से 12% इन द नेक्स्ट 15 इयर्स, 39,000 आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 70,20,000 की, बट यू विल वॉक अवे विद 1,96,78,000. ये करता है काम जब आपका पोर्टफोलियो
डाइवर्सिफाइड होते हैं. अब आप चार यूलिप पे 20 साल अगर निकाल देंगे तो शायद आप डबल डिजिट ना देख पाए. पर आपको चारों पॉलिसीज रिव्यू करके बेस्ट रख के बाकी तीन को गुड बाय बोल देना चाहिए, ताकि आपका सारा ध्यान बाकी इक्विटी और डेट के डाइवर्सिफिकेशन में लगा रहे. करेक्ट. And I was also thinking I have a VPF which gets deducted, so I was thinking of stopping that and investing that in some of the SIPs. नहीं, आप वो रहने दीजिए, सब कुछ equity की तरफ नहीं जा सकता है, थोड़ा exposure debt में होना बहुत जरूरी है. Okay. तो आप किसी भी एक तरफ पूरे बैंड मत हो जाइए. हो सकता है कि आपको लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म करे, आपको लगता है सारा ही मैं इसमें डाल देता हूँ, ये सेफ है और अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, पर इट्स नॉट नेसेसरी. लाइक आई सेड, एवरेज गिर जाएगा उसका. करेक्ट. सो have goal, goal specific investments, and once you have goal specific investments, you can't go wrong. Okay, thank you so much. You're a young, charming, salaried person, and I hope you have a very wealthy life in the future. Thank you so much. दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी आज के एपिसोड से कि diversify करना पोर्टफोलियो को बहुत जरूरी होता है, वरना आपका जो रेशियो है, एवरेज है, वो नीचे आ जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो में. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग CNBC आवाज.